हैलो कोई हैगा कि नहीं हैगा, वो बह तो मौजूद हैगा। टेलर मास्टर साहब, वो मेरी नकीन निकर सिल गई हैगी कि नहीं सिली हैगी? हैलो, अब मेरी नकीन हैलो हैलो कोई हैगा कि नहीं हैगा, वो बह तो मौजूद हैगा। टेलर मास्टर साहब, वो मेरी नकीन निकर सिल गई हैगी कि नहीं सिली हैगी? हैलो, अब मेरी नकीन हाँ? मेरा ख्याल हैगा कि फायर ब्रिगेड वालों का नंबर मिल गया हैगा। हाँ तो क्या लिखा हैगा फूफी जा दे अपने खाते में? कल लिखा हैगा गुड मॉर्निंग यू डाटी बॉय सरगम। हाँ? अच्छा मजाक किया। अच्छा लिखो, जवाब में लिखो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू स्वीट फूफी जार वो बन। हाँ आगे पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा हैगा प्लीज स्पीक वेयर आर यू आई एम ऑल राइट हियर। और इसका क्या मतलब है? अकल इसका मतलब हैगा आवाज दे कहा है फूफी तेरी यहाँ है। ओ भाई इसका तो अजीब सा है जवाब। खैर इसका मुनासिब सा कोई जवाब लिख दो और आगे पढ़ो क्या लिखा है। लिखा हैगा अकल आगे उर्दू में लिखा हैगा। वो तुम्हारी तरह मेरी फूफी भी उर्दू मीडियम की है, अंग्रेजी नहीं आती होगी। चलो खैर पढ़ो क्या लिखा है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अच्छे आदमी बनो और दुनिया में नाम रोशन करो। वो इसकी तो अंग्रेजी बहुत आसान है। है? ये नहीं देखो इसकी अंग्रेजी बनती है कुछ ऐसे। हाँ आई विश यू बी सी डी गुड बैड दी लाल टैन है इसके। हाँ तो इसका जवाब लिखो। लिखवाए अकल। हाँ प्यारी फूफी, प्यारी फूफी मुझको तरक्की मिल गई है, मुझको तरक्की मिल गई हैगी और अब मैं रंगीन प्रोग्राम में आ गया हूँ। और अब मैं रंगीन प्रोग्राम में आ गया हूँ। हाँ इसकी जरा अच्छी सी अंग्रेजी बना के जल्दी से लिखो। डियर बैब। हाँ डियर बैब आई एम प्रमोटेड टू दी रंगीन प्रोग्राम। हाँ रंगीन प्रोग्राम बहुत अच्छे। अच्छा बाकी सब खैरियत है? बाकी सब खैरियत है। मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलता हूँ। जिससे कभी कभी सीने में दर्द होता है। इसकी जरा अंग्रेजी बना के लिखो जल्दी से। अंकल इसका अंग्रेजी हैगी रेस्ट इज द बेस्ट इन द क्रिकेट टेस्ट विद द पेन इन माय चेस्ट। कमाल कर दिया यार है। वैसे अच्छे स्कूल के पढ़े हो। अच्छा आगे लिखो फकत आपका ताबेदार नाटी सरगम। अब वक्त हुआ खबरों का, इसलिए आप खबरनामा सुने। आज की खास खास खबरें। आज की खास खबर ये है कि आज हमें कोई खबर मौसूल नहीं हुई, इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। हेलो ओ हेलो ओ कोई हैगा कि नहीं हैगा? टेलर मास्टर साहब मेरी निकर का क्या हुआ हैगा? और मैंने टीवी स्टेशन जाना हैगा, रंगीन प्रोग्राम हैगा, देर हो रही हैगी। है? जवाब ही नहीं आ रहा हैगा। है? इस दफा वाटर सप्लाई वालों का नंबर मिल गया हैगा। सुहाना सफर है, सफर बड़ा पुर खतर है। कश्ती रुक गई है अकल। मेरा ख्याल हैगा इसका टायर पंचर हो गया हैगा। ये कोई हवाई जहाज है जो इसका टायर पंचर हो गया हैगा? और तुम खामोश दोनों तुम कमाल है। उर्दू मीडिया तुमको नहीं समझ आती। बात यह है कि झील में पानी कम हो गया, गर्मी से पानी कम हो गया। अंकल गर्मी से तो पानी गर्म होता हैगा। हाँ हाँ भाई गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है। इसका मतलब ये हैगा कि जहाज को उड़ाने से पहले इसके नीचे आग जलाई जाती हैगी ताकि गर्म होकर ऊपर उड़ जाए और बाद में उस पर पानी डाल लेते होंगे, वो नीचे उतर जाता होगा। अंकल बिल्कुल ठीक है, बिजली भी जब गर्म हो जाती है तो बिजली का फ्यूज उड़ जाता है ना। तुम खामोश दोनों क्या ऊट पटाक लगा रखी है। ये ऊट पटाक क्या होता है अंकल? तो ऊट पटाक का खैर तुम ये बताओ कि अब क्या किया जाए है? अंकल अगर पानी गर्म हो गया हैगा तो फिर मैं जाता हूँ एक दो हबाब ही पानी के लाता हैगा। हैगा तुम्हें तैरना तो आता नहीं है, है? कश्ती से बाहर कैसे जाओगे? मैं जाता हूँ अंकल, मुझे तैरना आता है, मैं 2 घंटे पानी में रह सकता हूँ। मगर बात के बाबे पानी में 2 दिन तक होता लगा सकता हूँ मैं। अरे मेरे अंकल बहुत अच्छा तैरना जानते हैं, पिछले साल उन्होंने एक झील में गोता लगाया था, वो अभी तक वापस नहीं आए। इस झील के नीचे उनका घर तो नहीं? ओ खबोश 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 हो ओ क्या गया? हैगा बिल्कुल हैगा, मौजूद हैगा, सुबह हैगा, शाम हैगा। अंकल क्या काम हैगा? तुमने फिर दूध बेचना शुरू किया क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बास डाल कर देखो झील में कितना पानी है।
जल्दी करो, इसमें तो पानी बिल्कुल नहीं हैगा, सिर्फ किनारा हैगा, हाफिज खुदा हमारा हैगा, तुम्हारा हैगा। ओहो हो, इसका मतलब ये है कि ये अब खुशकी में पहुंच चुके हैं, हैं? है? और हम पैदल यदि घर जा सकते हैं। कमाल है, आप तो बहुत जीनियस हैगे, आपने इतनी मालूमात दिलाब घर से हासिल की हैगी। कमाल कमाल करते हो तुम, सुनती सुनते कानों और देखती आंखों और देखती कानों और सुनते कानों को। सलाम अलैकुम, आओ चलते हैं। चलो जी चलो।